आज हम बनाएंगे आंवले का मुरब्बा। आंवले में विटामिन सी और आयरन भरपूर मात्रा में होता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर गर्मी में आपने एक पीस आंवले के मुरब्बे का खा लिया तो आपको दिन भर गर्मी का एहसास भी नहीं होगा। सर्दियों में आपने खा लिया तो आप दिन भर चुस्त दुरुस्त बने रहेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आशाद स्पेशल किचन। देखिए दोस्तों, ये मैंने आंवले ले लिए हैं, मैंने बिल्कुल ताज़े और फ्रेश आंवले लिए हैं। अब देखिए, जो आंवले हैं ना, ये बड़े बड़े साइज़ के आंवले हमने लिए हैं और ये हल्के से पके हुए हैं। आप देख रहे हैं इनका कलर थोड़ा सा चेंज है, कहीं कहीं इससे ब्राउन, लाइट ब्राउन सा लग रहा है। इससे पता चल रहा है कि ये आंवले पके हुए हैं। पके हुए आंवलों में फ़ायदा ये होता है कि जब हम इसका मुरब्बा तैयार करते हैं तो बिल्कुल भी कसैलापन नहीं लगता, बहुत ही टेस्टी मुरब्बा इसका तैयार होता है। आप कच्चे लेंगे तो उसमें कड़वापन आएगा। और इसे हमने अच्छे से वॉश भी कर लिया। अब देखिए, एक फॉक ले रहे हैं हम और इस फॉक को आंवले के अंदर तक डालेंगे, जिससे कि अच्छे से इसके अंदर तक छेद हो जाए। हम सारे आंवलों में इसी तरीके से प्रिक करते हुए जाएंगे, गैप गैप में इस तरह से हम फॉक को डालते जाएंगे। इसमें अच्छे से इस तरह से फॉक डाल देंगे, जिससे कि हम जब इसका मुरब्बा बनाएंगे ना, तो चाशनी इसके अंदर तक चली जाए और इसमें अंदर तक रस भर जाए। आपको इस मुरब्बे को ना तो चूने में भिगो के रखना है, ना ही उबालने का कोई झंझट करना है। हम बहुत ही आसानी से आज इस मुरब्बे को रेडी करेंगे और बहुत ही रसीले, बिल्कुल गुलाब जामुन की तरह गोल गोल रसीले ये हमारे मुरब्बे तैयार होंगे। हमें आंवले के मुरब्बे को बनाने में ज़रा भी वक्त नहीं लगता है, बस इसे हमें प्रिक करने में समय लगता है। आप किसी की हेल्प ले लीजिए इसे प्रिक करने में, तो बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी ये आंवले हमारे प्रिक हो जाएंगे। देखिए, इस आंवले को मैंने अच्छे से फॉक से छेद कर कर के ले लिया है। अब देखिए, इसे मैं दबा रही हूँ तो हल्का सा रस जैसा भी निकल के बाहर आ रहा है। इसे ये पता चलता है कि आंवलों में हमारे बहुत अच्छे से छेद हो चुका है। इसी तरीके से देखिए, सारे आंवलों में हमने छेद कर लिया है। आप देखिए, आपको कहीं भी कोई जगह नहीं दिखाई दे रही होगी जिसमें हमने छेद ना किया हो। इसे क्या फ़ायदा होगा ना, कि जब हम इसे चाशनी में डालेंगे तो ये रस में अच्छे से डूब जाएंगे। बहुत ही रसीले ये हमारे मुरब्बे बनके तैयार होंगे, बहुत ही टेस्टी लगेंगे। जब रस अंदर तक जाएगा तो इसमें बिल्कुल भी कसैलापन या कड़वापन लगेगा ही नहीं, बहुत टेस्टी लगेंगे। अब देखिए आगे का प्रोसीजर करते हैं। तो देखिए, ये पॉट में मैंने 3 गिलास पानी डाल दिया है। अब इस पॉट में मैं एक एक करके सारे आंवले डाल दूँगी। अब देखिए, पानी में डालने के बाद मैं इसे इसी तरीके से छोड़ दूंगी, मैं होल नाइट के लिए इसे रख दूंगी और नेक्स्ट डे मैं इसका मुरब्बा तैयार करूंगी। अब इसे क्या होगा ना, इस तरह से पानी में डुबो के रखने से ना कसैलापन इसका सारा निकल जाता है। जब आप मुरब्बा इसका तैयार करेंगे तो बिल्कुल भी कसैले कड़वे हमारे मुरब्बे नहीं लगेंगे, बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो देखिए, मैंने इस तरह डुबो दिया, इसे होल नाइट के लिए मैं रेस्ट पर रख देती हूँ। अब देखिए, पूरी रात हमने इसे पानी में छोड़ दिया था। अब आप देख रहे हैं, इन आंवलों का कलर भी थोड़ा लाइट हो गया है। अब इसमें जो भी कड़वापन था, कसैलापन था, वो सारा निकल गया है। पानी में डुबोने से ये फ़ायदा होता है कि इसका सारा कड़वापन ना निकल के बाहर आ जाता है, तो हमारे मुरब्बे में हमें बिल्कुल भी कसैलापन नहीं लगेगा। अब देखिए, हम इसे पानी में से बाहर निकाल लेंगे। तो एक एक करके सारे आंवलों को आप इस तरह से निकाल के रख लीजिए, आपको कोई दबाना नहीं है इसे, बस सीधे पानी से निकाल के एक प्लेट में रख लेना है। अब देखिए, सारे आंवलों को मैंने इस प्लेट में निकाल लिया है और इसको अब हम साइड में रख लेते हैं। और मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये मिश्री, ये मैंने मिश्री ली है, ये मैंने 1 kg मिश्री ली है। आंवला मैंने 1 किलो लिया था, तो उसमें डालने के लिए मैं 1 किलो ही मिश्री ले रही हूँ। ये दाने वाली मिश्री है, आप इस मिश्री की जगह धागे वाली मिश्री भी ले सकते हैं। हम इसमें ना तो चीनी का यूज़ करेंगे, ना ही गुड़ से हम मुरब्बे को बनाएंगे। हम इस दाने वाली मिश्री से मुरब्बे को तैयार करेंगे। देखिए, चीनी तो हमें नुकसान भी पहुंचाती, तो हो सके तो हमें चीनी को अवॉइड करना चाहिए। अब चलिए, हम इसे पीस लेते हैं। तो मैंने एक जार ले लिया और उसमें मैं आधी मिश्री डाल देती हूँ, क्योंकि जार मेरा छोटा है, तो मैं 2 बार में इस मिश्री को पीस के पाउडर बना लूँगी।
आप पाउडर बनाए बिना भी दाने वाली मिश्री से डायरेक्ट मुरब्बा तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे दाने होते हैं तो बहुत ही आसानी से ये मेल्ट भी हो जाते हैं। जब हम गैस की फ्लेम पे कढ़ाई को रखेंगे और उसमें मिश्री डालेंगे तो बहुत आसानी से मेल्ट हो जाएगी, लेकिन हम इसे इसलिए पीस रहे हैं कि बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से ये मेल्ट हो जाएगी। आप इस मुरब्बे को बना के सालों तक स्टोर करके रख सकते हैं, सर्दी हो या गर्मी हो, आप हर सीज़न में इसे डेली खाइए, आपको इसके खाने के बहुत से फ़ायदे नज़र आएंगे। आपके बालों में चमक आएगी, पेट भी आपका साफ रहेगा, चेहरे पे भी चमक आएगी। चलिए अब आगे हमें एक कढ़ाई लेनी है और गैस की फ्लेम पे इसे हमने रख दिया है। अब इसमें हम आधा कप के बराबर पानी डाल रहे हैं, आपको ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, हमने आधा कप पानी इसमें ऐड कर लिया। अब ये देखिए थोड़ा सा गर्म हो गया है। अब ये गर्म हो आने के बाद हम इसमें ये पाउडर जो हमने मिश्री का पाउडर बनाया ना, सारा पाउडर इसमें ऐड कर लेते हैं। अब देखिए सारा मिश्री का पाउडर इसमें ऐड कर लिया। इसके बाद हम इसे धीरे धीरे चलाएंगे जिससे कि इस पानी में ये जो मिश्री का पाउडर है ये अच्छे से घुल जाए। अब देखिए ये कितने अच्छे से घुल गया। हमें बहुत ज़्यादा इसे इस समय उबालना नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। अब इसी स्टेज पर हम इसमें आंवले ऐड कर लेंगे, तो जितने भी हमारे आंवले हैं सारे आंवले को हम एक एक करके इसमें डाल देंगे। अब देखिए सारे आंवले हमने इस तरह से कढ़ाई में डाल दिए और सारे आंवले इस मिश्री के पानी में डिप हो चुके हैं। अब इसको हल्का सा हम 2 मिनट के लिए इसी तरीके से पका लेते हैं। अब देखिए 2 मिनट हो गए इसे पकते हुए और इसको हम एक बार चला लेंगे और इस तरीके से बराबर करके हम इसे लिड से कवर कर देंगे जिससे कि सारे आंवले बराबर पके हमारे, या आप किसी प्लेट से इसे ढक दीजिए। और केवल ढकने के बाद हम 4-5 मिनट के लिए पकाएंगे। तो देखिए ये 5 मिनट हो गए और मैं लिड को हटा लेती और देखिए हम चेक कर लेते हैं कि हमारे आंवले कितने पके हैं। अब देखिए ये आंवले मैंने उठा के देख लिए हैं, 60-70% ये आंवले हमारे अच्छे से पक गए। अब थोड़ा सा और पकाना है। अब हम इसे लिड नहीं लगाएंगे, बिना लिड लगाए हुए हम इस तरह से ओपन रखते हुए इसे पकाएंगे। अब क्योंकि लिड लगाने से ये ज़्यादा पक सकते हैं तो हम इसे ऐसे ही पकाएंगे। देखिए ये मैं थोड़ा सा अजवाइन ले रही हूँ, साबुत अजवाइन मैंने इसमें डाल दिया। इसे डालने से ना बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। मैंने आधे से भी आधा चम्मच डाला है इसमें और आधा छोटी चम्मच मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है और आधा ही चम्मच मैं इसमें काला नमक डाल रही हूँ। जब आप इन चीज़ों को डालते हैं ना तो आप देखिएगा आपका मुरब्बा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, बहुत ही अच्छी खुशबू भी आती है और फ्लेवर इसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब इस तरह से चलाते हम इसे थोड़ी देर और पका लेंगे। अब देखिए इस आंवले को पकते हुए हमें थोड़ी देर और हो चुकी है और ये आंवले हमारे लगभग पक गए हैं। अब देखिए धीरे धीरे इनका कलर भी देखिए चेंज हो गया और ये जो हमारी चाशनी है ना ये भी थिक हो गई। बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है क्योंकि जब हम इन्हें ठंडा करेंगे ना तो ये और भी ज़्यादा चाशनी गाढ़ी हो जाएगी। तो हल्का सा इसे हमें पतला ही रखना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। अब देखिए ये हमारे मुरब्बे बिल्कुल तैयार हैं। गैस की फ्लेम हम ऑफ़ कर देते हैं और लीजिए ये मैंने आंवले का मुरब्बा सर्व कर दिया है। बहुत ही रसीले, बहुत ही जूसी ये गुलाब जामुन की तरह आंवले का मुरब्बा हमारा तैयार है। आप एक बार इस मुरब्बे को बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है और बच्चे भी आपके इस मुरब्बे को मांग मांग के खाएंगे। बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा क्योंकि इसमें बिल्कुल भी कसलापन नहीं लगेगा। जब कसलापन लगता है ना जब बच्चे इसे खाते नहीं हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। यहाँ तक कि जिसके दांत नहीं होंगे ना आप उन्हें भी इस मुरब्बे को खिला सकते हैं, क्योंकि एक तो ये सॉफ्ट और मुलायम भी बहुत ज़्यादा बन के तैयार होते हैं। मैं इस आंवले को अब आपको देखिए दबा के भी दिखा देती हूँ ये कितने जूसी बने। देखिए हम इसे दबा रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा कि ये कितने जूसी बने। फ्रेंड्स अगर आपको आज की रेसिपी का वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, जितना हो सके शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। और अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।